हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम बात करेंगे कक्षा 7 विषय संस्कृत का वार्षिक परीक्षा 2022 के पेपर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। समय रहेगा 2.5 घंटे का, पूर्णांक है 70 नंबर का। और ये पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सीसी गुरु की वेबसाइट पे पेपर है, वो कंप्लीट आपकी सर हर सब्जेक्ट के पेपर वो आपको मिल जाएंगे। सभी क्लास में पेपर वहां पर दिए गए हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और पेपर को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही पृथ्वी केन धारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 57। कृष्ण मूर्ति कस्य मित्रम आसित है, तो इसका हो जाएगा श्रीकंठ से। रामाय इति पदे का विभक्ति, तो यह है चतुर्थ विभक्ति। कथनम सत्य बुरिया, तो यह हो जाएगा प्रियम, ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाजी इति पद्य कै पुरुष है, तो यह है मध्यम पुरुष। विद्या धनम कै न चोरियति, तो यह आ जाएगा चोरे। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर दिया गया है, पठिसेति पद्य कै लकार है, यानी पठिसेति पद में कौन सा लकार है, तो यह है लृट लकार। अगला है, दर्शनाय पुत्री कति वर्षीया आसित, तो यह है एष्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, एकादश इति पदम हिंदी भाषणम लिखित है, तो इसको एकादश को हम क्या बोलेंगे, 11। क्वेश्चन नंबर 10 है, 16 इति पद संस्कृत भाषा में लिखित, 16 को आपको संस्कृत में लिखना है, तो हो जाएगा 16। अगला आपको फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों से आपको इन रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। तो पहला, वृक्ष से ऊपरी खगा वदंती। अगला है विवादें, तो इसमें आ जाएगा अलम। थर्ड है यहाँ पर, वर्षा काले ग्रहा, तो यहाँ पर आएगा बही, बही मागच, यानी वर्षा काल में हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। अगला है, मवस्य अधय स्रोतार उपदिष्टा संति, तो इसमें आ जाएगा अधय। छात्रा विद्यालय से अंते प्रविशन्ति, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्तो महान रिपु। अगला है, षड ऋत्व भवंती मासा द्वादश भवंती, मग शरीर द्वो हस्तोस्तय, और सत्यम प्रिय से बुरियात। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, सत्य सत्य, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर और 30 तक। तो पहला है यहाँ पर, विद्या राजसु पूज्यते, तो यह हो जाएगा सत्य। वाग भूषणम भूषणम ने, तो यह हो जाएगा असत्य। विद्या धनम सर्वे धनेशु प्रधानम, तो यह आएगा सत्य। अगला, विदेश गमने विद्या बंधुजन ने भवंती, असत्य। सर्व विहाय विद्याधिकारम कुरु, सत्य। प्रातः काले ईश्वरम समरेत, सत्य। अनर्थम बुरियात, ये असत्य। मनसा श्रेष्ठ सेवेत, तो ये आएगा आपका सत्य। मित्रेण कलहम कृत्वा जन सुखी भवन्ति, असत्य। और स्व कार्यम अधय कुर्वीत, ये भी क्या आएगा, सत्य आएगा। इसके हम देखते हैं हम नेक्स्ट। आपको यहाँ पर मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक। तो शत्रु आया, इसका मिलान करेंगे हम मित्राया। सुखिने दुखिने, मानवा दानवा, पूरा अधुना, असहाय गृहीत्वा, यानी आपको ये विलोम शब्द है, इनका मिलान करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिया गया है, श्री कंठस्य अत्यम के अकुर्वन, तो आ जाएगा कृष्णमूर्ति पित्रो अकुर्वन। रमाबाई उच्च शिक्षा कुत्र आगस्त है, तो इंग्लैंड देशात। मक्षिकाय मित्र का आसित, तो मक्षिकाय मित्र मंडू के आसित। कर्म से किम नाम आसित, तो कुर्म से कम्बुग्रीव नाम आसित। पार्वती तपस्यार्थ कुत्र आगच्छत्, तो पार्वती तपस्यार्थ वनम आगच्छत्। देखते हैं हम नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 आपको यहाँ पर दिया गया, अद्वितीय छात्र विद्यालय में किम किम निःशुल्क प्राप्त होती, यानी छात्र जो विद्यालय में क्या क्या है वो निःशुल्क प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, निःशुल्क शिक्षा में प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्क गणवेश पुस्तकानि पुस्तकम् शुद्धम् पादत्राम मध्यान्ह भोजनम छात्रवर्तिम इत्यादि सर्वे निःशुल्क प्राप्स्यन्ति। अगला है, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि कानि, तो पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमंत्रम सुभाषितम्। अगला है, वद धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप लिखित, तो हो जाएगा वदिशैति। राम शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, राम शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एकवचन लिखित, तो राम शब्द की षष्ठी विभक्ति का एकवचन क्या होता है, रामस्य होता है। अगला है, न चोरहारिय न श्राद्धारिय न भ्रातृ भ्रातृजन्य न च भारकारी, वेव करते वर्थत एवं नित्य विद्याधनम सर्व प्रधानम,
30 श्लोक की हिंदी भाषा लिखते हैं, ये जो श्लोक दिया गया आपको इसको हिंदी भाषा में लिखना है तो हिंदी भाषा हो जाएगी इसकी। विद्या रूपी धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता और न ही राजा छीन सकता, विद्या का भाइयों में बंटवारा भी नहीं हो सकता, विद्या धन का कोई भार भी नहीं होता। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 46 आपको दिया गया है, पाठ्य पुस्तक द्वय श्लोक है लिखित है, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में आए हुए 2 श्लोक आपको यहाँ पर लिखने हैं, और लिखते समय ध्यान रखें कि ऐसा श्लोक आपके पेपर में नहीं आया हुआ हो, वो श्लोक आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला है, लिखेंगे हम, पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि जर्मंत्रम सुभाषितम मुंडे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते, जो भी श्लोक आपको आ रहे हैं वो 2 श्लोक आप वो यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, 47 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, पंडिता रमाबाई अथवा स्वालंबनम पाठस्य सार हिंदी भाषा लिखी, यानी ये 2 पाठ है पंडित रमाबाई और स्वालंबनम, इनका आपको हिंदी में सार लिखना है। तो रमाबाई वाले पाठ का मैं बता देता हूँ आपको, रमाबाई संस्कृत और वेदों की विदुषी थी, उनका जन्म 1858 में अनंत शास्त्री और लक्ष्मीबाई के यहाँ हुआ था, उन्हें सरस्वती आदि की उपाधियां प्राप्त थी। रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया, उनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई, रमाबाई ने देश की पैदल यात्रा की और वह ब्रह्म समाज से अधिक प्रभावित थी। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास से विवाह किया, परंतु शीघ्र ही उनके पति का देहांत हो गया, उन्होंने स्त्री शिक्षा और समाज के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। रमाबाई ने कई देशों का भ्रमण किया, उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अमेरिका में धन एकत्रित किया, भारत आकर उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की, यहाँ बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन यापन करती थी। 1922 में रमाबाई का देहांत हो गया, परंतु समाज सेवा और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। दूसरा स्वावलंबन है, तो जो भी आपके 2 आएंगे यहाँ पर, एक है वो आपको करना है, तो आप इस तरीके से वो लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानम पूरयेत, यानी ये जो पद दिए, ये शब्द दिए गए, इन शब्दों से आपको इन एप्लीकेशन की है वो पूर्ति करनी है। तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पर ये नाम आ जाएगा प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केसरपुरा झालावाड़, यहाँ पर आ जाएगा महोदय, सेवनेमिदं निवेदनम अस्ति यत मम गृहे आवश्यक कार्यमस्ति, अस्मात् कारणात् अहम विद्यालय आगन्तु न श्वेनोमि, अतः एक दिवस अवकाशम स्वीकृत मामे अनुग्रहयन्ति भवन्तः, यहाँ पर आ जाएगा भवताम आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी, और यहाँ पर आप वो दिनांक लिख देंगे। तो ये था बच्चों आज का पेपर संस्कृत का, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देख लिया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।